फोटो ते सिग्नेचर अपलोड करन दा स्टेप इत्थे पूरा हुंदा है, ए सेव एंड नैक्सट इत्थे तुसीं क्लिक, तुहाडे कोल अगली ऑप्शन खुल जांदी है नैक्सट स्टेप, जिहदे विच तुसीं अपने अकैडमिक डिटेल तुसीं फिल करनी है। अकैडमिक डिटेल दे विच तुहाडे कोल सब तो पहला ये रेड लाइन वाला सानूं जरूर पढ़ लेना चाहिए है, जिन्हां दे ग्रेड्स ने, फिर उसनूं न्यूमेरिकल वैल्यू च कन्वर्ट करना पएगा, जो तुहाडे ग्रेड्स दिते गए ने उस, फॉर एग्जाम्पल 7 ग्रेड है, विद द कन्वर्जन फैक्टर मैनशनड इन योर DMC, तुहाडे DMC दे बैक ते उस ग्रेड नूं न्यूमेरिकल वैल्यू विच किस तरह कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, उसका फार्मूला लिखा होएगा, जिस नूं तुसीं इत्थे लिखा है इन योर DMC मल्टीप्लाइड बाय, उसनों फिर 10 ना गुणा कर देनी है, एंटर द मार्क्स आउट ऑफ 1000, ओके, फिर तुहानू 1000 विच्चों जिहड़े ने मार्क्स सामने आ जाएंगे, वो मार्क्स तुसी फिल करोगे, मार्क्स ऑबटेन्ड, इसनों चंगी तरह देख लो किन्ने मार्क्स ऑबटेन्ड है, ग्रेड ऑबटेन्ड, मार्क्स ऑबटेन्ड कढ़ने किदा है, नंबर एक ग्रेड ऑबटेन्ड, फॉर एग्जाम्पल मेरे ग्रेड आए ने 7, इतने मैं 7 लिख दिता 7, ओके, कन्वर्जन फैक्टर वो जिहड़ा DMC दे पिछे दिता है उसनों गुणा की जाएगी, उस तो बाद वो जो भी फैक्टर है मैं इतने डैश फिल कर दिता है उसनों गुणा की जाएगी 10 नाल, ओके, टोटल मार्क्स जिहड़े ने 1000 चों बन के तुहाडे सामने आ जाणगे, ये उन्हां लई है जिन्हां ने ऑलरेडी लिखे हुए ने डिजिट विच हन, उन्हां नूं ये करन दी कोई जरूरत नहीं पएगी। सो तुसी सब तो पहला ये सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल इसनों मैं सिलेक्ट किया है, ओके, इत्थे ब्लू कलर हो जाएगा कि सिलेक्ट हो चुका है, फिर उसकी डिटेल भरनी है कि मैट्रिक तुसी केड़े साल च पास की सिलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर तुहाडा की है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है जां ICS है, अदर बोर्ड है, पंजाब टैक्नीकल बोर्ड, कोई भी बोर्ड है वो तुसी फिल कर देना है, मैट्रिक दे है, हाँ जी हो गया, अपने सब्जैक्ट छोटे करके फिल कर देने, क्वेश्चन पूछा जाता है जिदा मैं PBI पंजाबी लिख दिता, हिंदी HDI है ना जां HDI हिंदी, इंग्लिश नूं ENG बहुत है, किसे ने ये तुहाडे नहीं वेरीफाई करने, कॉलेज विच होने आ, रत्ती भी घबराउण दी जरूरत नहीं है, इंग्लिश मैथ्स दा मैथ लिख दिता, SC दा साइंस दा SC लिख दिता, और SST छोटा करके सोशल साइंस नूं लिख दिता, पूरे लिखने घट लिखने है, दी कोई समस्या नहीं है, तुहाडी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन ते पोस्ट ग्रेजुएशन दे बेस ते बनदी है, मेन ओहो ने, अच्छा मार्क्स किन्ने ऑबटेन किए किन्नियां चो है, परसेंटेज कैलकुलेट होके इत्थे खुद ब खुद आ जाएगी, इसे तरह प्लस टू, फिर मैं इत्थे क्लिक किया प्लस टू आ गया, प्लस टू किन्ने केड़े साल च कीती है ये भरना कोई औखा नहीं है, रोल नंबर फिल किया, बोर्ड सिलेक्ट किया, तुसी ये हाँ कि ह्यूमैनिटीज कॉमर्स एग्रीकल्चर ये केयरफुली सिलेक्ट कर लेना है, और फिर अपने जिहड़े प्लस टू दे जिहड़े मार्क सब्जेक्ट ने वो उस तरह शॉर्ट करके फिल करते हैं, मार्क्स ऑबटेन्ड टोटल एंड परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जानी है, ये सब तो ज़्यादा जरूरी की है ग्रेजुएशन, जे 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th किसी ने किया है इतने उसकी कोई एलिजिबिलिटी बेस नहीं है, दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, ये है कि तुसी अपना ईयर रोल नंबर केड़ी यूनिवर्सिटी तो भरिया है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है, वो ये सारा कुछ सिलेक्ट करके फिर रीवेरीफाई जरूर करो, क्योंकि जे ये गलती होंगी है तो मेल यूनिवर्सिटी करनी पेगी, सब तो जरूरी ये है ऑप्शन कि तुसी नॉर्मली जे BA ऑनर्स लिखा है तुसी नहीं सिलेक्ट करना है ना, गलत सिलेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा बच्चे BA ते BSc वाले है सब तो ज़्यादा, ठीक है, जे तुसी ऑनर्स BA ऑनर्स की है फिर एक क्लिक होएगा, BSc इकोनॉमिक्स है, BBA है, BCA है, BCAM है, BCOM है, चंगी तरह पढ़ना है, BCAM ते BCOM, BSc एग्रीकल्चर है, BSc फैशन डिजाइनिंग है, होम साइंस है, ऑनर स्कूल है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, ऑनर स्कूल फिजिक्स है, सारे साइंस वाले ऑप्शन ने तुहाडे कोल, BSc IT है, LLB है, BSc फूड टेक्नोलॉजी है, BEd है, सो ये जिहड़े इन्ने केयरफुली तुसी पढ़ने हैं क्योंकि ये बेस से तुहानू मेजर सब्जेक्ट मिलने हैं, ये इसलिए सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, देखो ये गलती नहीं करनी, BCOM ऑनर्स वक्रा है, BCOM है तो BCOM ऑनर्स है, इसलिए सारिया ऑप्शन देखनिया हैं,
बी ए एल एल बी शायद इस पार्ट में सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट दसन वाली गल यही हो बी ए एल एल बी ऑनर्स ये सारी चीज़ पढ़नी है थोड़ी डिग्री ने मैच करती है बी एस सी ऑनर्स कैमिस्ट्री बी एस सी ऑनर्स फिजिक्स बी कॉम एल एल बी वक्री डिग्री है बी कॉम अलग ही अलग अलग है अलग है एल एल बी अलग डिग्री है एनी अदर कोर्स जो मैच नहीं होंगे तो एनी अदर कोर्स उत्तर फिल कर सकते हो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है बी पी टी है बी एस सी ऑनर है बी आर्क है बैचलर इन फिजियोथेरेपी है ना बी ए बी एस सी एल एल बी ये होर है बी ए बी एस सी एल एल बी ए बी एस सी विदाउट एल एल बी वो मैं क्लिक की हुई है बी ए एल एल बी होर है बी एस सी बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल मेडिकल बी टैक बी फार्मा बी कंप्यूटर बी इकोनॉमिक्स ये केयरफुली मैंने बहुत बाद गलती हो गई मेल की हाँ करनी पैनी है फिर बाद तो मेल सो बी ए ऑनर मैं ये किया है बी ए बी एस सी क्योंकि मैं सिंपल ह्यूमैनिटीज है इतने जेकर पोस्ट ग्रैजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो इतने जीरो फिल करोगे लिखा है इफ योर ग्रैजुएशन पोस्ट ग्रैजुएशन एंड सेमिस्टर फाइनल ईयर रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर दैन जीरो एंटर जीरो इन टोटल मार्क्स एंड मार्क्स ऑबटेन्ड इन कॉमन कॉलम इतने भी जीरो फिल कर रहे हो इतने भी जीरो कर रहे हो बाकी परसेंटेज जीरो ही आएगी जेकर असली मार्क्स आ चुके रिजल्ट आ चुके हैं तो नैचुरली है जो ऑबटेन्ड मार्क्स है फिल करोगे किन्ने जो आए मार्क्स उत्थे फिल करोगे ये पूरा होने तो बाद रिकॉर्ड लॉग्ड ऑन डेट ओके कैनॉट बी मॉडिफाइड ओके सो इस तो बाद लॉक का क्लिक कर देंगे हो मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हाँ मैं प्रोसीड कर रहा हाँ इस तो अगे